ये बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल सर जाऊंगा बट आप वो कैसे पता नहीं क्या सीन है गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू द चैनल भाई बढ़िया तुम्हारा भाई तो बढ़िया रहता है भाई तो कल की पार्टी हुई देखा तुम लोगों ने पार्टी में क्या सीन था कैसा हुआ जो भी था मतलब ठीक था भाई उतना कुछ मतलब अच्छा था तो ये सीन है भाई तो आज का सीन ऐसे है कि आज का कुछ सीन ही नहीं है ऐसे मेरे को पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है आज बट स्टिल आई विल डू समथिंग फॉर यू गाइस सो अभी सो अभी पता नहीं क्यों कर रहा था मैं सो सरा रहे तो वैसे अभी का सीन बताया कैसे अभी मेरी क्लास है ठीक है मेरी दो ऑनलाइन क्लास है एक है अभी 1 से 3 और उसके बाद 3 से 4 एक और क्लास है तो मेरी दो ऑनलाइन क्लास है उसके बाद मैं सोच रहा हूँ उसके बाद मैं जाऊँगा बाहर देखता हूँ क्या सीन मैं सोच रहा हूँ हेयर कट करवा ही लेता हूँ यार भाई क्योंकि ना अच्छा लग रहा है ऐसे बालों में ना मेरे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं ना तो उसमें डैंड्रफ आ जाता है भाई एक तो डैंड्रफ की दिक्कत इतनी हो जाती है ना क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को पानी की बोतल ले लेता हूँ भर के ले आ देता हूँ क्योंकि भाई पता नहीं होता कोई प्यास लग जाती है फिर क्लास के बीच सोचना मेरे को बहुत आलस आता है कौन उठेगा यार बार बार ऐसे क्लास के ऊपर से और भाई बर्फ़ पड़ रही थी सुबह तो बट अब तो ठीक है हल्की हल्की से तो पड़ ही रही थी दो किले बचे दो किले खा लूंगा दो किले खाने के बाद बढ़िया फिर क्लास में जाऊंगा फिर बढ़िया केड़ा खा रहा हूँ क्लास है क्लास ज्वाइन करते हैं पहले देखते क्या सीन है तो भाई ऑनलाइन क्लासेस का मेरे को समझ ही नहीं आता है भाई लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो ठीक लगता था कि हाँ चल ठीक है ऑनलाइन है अब मज़ा नहीं आता भाई ऑनलाइन पढ़ने का यार क्या ऑनलाइन पढ़ना है तो वो भी ऑनलाइन ही पढ़ना है तो मैं कैसे ज्वाइन करते हैं हम क्लास ऑनलाइन बस यहाँ पे जाके लॉन्च मीटिंग होगा 2 मिनट का पॉज होगा मेरी प्रोफेसर आए नहीं है बियर्ड भी ट्रिम कर लेता हूँ खुद से करूँगा कटिंग तो करवा ही लूँगा बाद में जाके तुमको बताऊँगा क्या सीन होता है कितने क्या प्राइस होता है हेयर कट का ऐसा वैसा सब कुछ बताऊंगा टेंशन मत लो यार तुम व्लॉग देखते रहा करो ठीक है व्लॉग में जुड़े रहा करो क्लास खत्म हुई और यहाँ बाहर का सीन देखो बर्फ पड़ गई भाई मैं चाह के भी बाहर नहीं जा सकता तो जा तो सकता हूँ बट क्या फायदा भाई पूरा देखो बर्फ ही बर्फ है और नीचे चाचा ऐसा है कोई बर्फ भाई भाई कुछ नहीं कर सकता भूख लग रही है मेरे को अभी कुछ खा लेता हूँ भाई बना के बाकी तो यार मेरा प्लान था कि मैं सोच रहा था कटिंग करवाऊंगा जाके बट कटिंग नहीं करवाया बाकी यार गाइस एक चीज़ बताना मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने बाल ना फिर से थोड़े से कलर कर लूँ हल्के हल्के जो मेरे ब्राउन लगते हैं मेरे बाल ना बिल्कुल भाई जेट ब्लैक बाल है पता है बिल्कुल जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं बट हल्की हल्की सी शेड आ रही है ना ब्राउन जैसी तो ये मैंने कर लिया हुआ था ऐसे करते रहता है भाई कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें भूख लग रही है यार बहुत तेज़ और मैं सोच रहा हूँ कुछ बना लेता हूँ दाल चावल बनाऊँ क्या एक बार बाहर से दिखाता हूँ बाहर जाके क्या फील है ये देखो भाई फकत बर्फ़ पड़ रही है अनएक्सपेक्टेड बर्फ़ जिसको बोलते हैं कुछ पता नहीं था भाई कि बर्फ़ पड़ने वाली है बट स्टिल बर्फ़ पड़ रही है अभी मैंने सोचा था कि मैं परे जाऊंगा बट आप लोगों को कैसे दिखाऊंगा मैं यार ओह शिट गिल्ला हो रहा है मेरा पैर ये देखो सामने का व्यू अनएक्सपेक्टेड भाई सोचा नहीं था कि बर्फ़ पड़ेगी बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है परे बिल्कुल धुंधला हो गया ज़ीरो विजिबिलिटी भाई चलो चलो अंदर चलो ठंड लगती भाई तो अभी उल्टा उल्टा काम कर लेता हूँ किल्ला हो गया पीछे से साथ में करते हैं कुकिंग विद पर्व चंदेल ठीक है हम एक कुकर में डालेंगे हम चने की दाल को लगवाएंगे 2-3 सीटियाँ साथ में बनाएंगे तड़का दाल बनाएंगे चावल बनाएंगे खा लेंगे को जाना है ऐसा होता है कि मतलब कभी आप सोचते हो कि मैं इतना अच्छे से बनाऊंगी इतनी मेहनत करके कुछ खाने को बना रहे हो तुम और लास्ट में आके वो सब कुछ गिर जा रहे हैं नहीं और ऐसा मैं करके दिखाऊंगा अभी मजाक कर रहा हूँ भाई ऐसा थोड़ी करूँगा इतनी मेहनत लगा के खाना बनाऊंगा फिर उसको मैं वेस्ट कर दूँ ऐसा सोच रहे हो तुम ऐसा कुछ नहीं होगा भाई सबको भाई ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आके खाना बनाना सीखाऊँ भाई पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को भाई 2 या 2.5 साल हो गए खाना बनाते कॉलेज में जब मैं था शूलनी में तो मैंने रूम लिया हुआ था ठीक है तो खुद ही बनाता था भाई खुद ही खाता था सबको खिलाता था बढ़िया से सब खाते थे और तारीफ़ ही करते थे भाई की कभी कभार एक दो बार हो जाता था जब अच्छा नहीं बनता था बट वो तो चलो नेचुरल सी बात है ना भाई हर बार परफेक्ट तो बनेगा नहीं कुछ ना कुछ तो लोचा तो होगा ही बर्तन भी धोने पड़ेंगे यार कोई आओ यार बर्तन बुर्तन धुलवा दो भाई के रोज़ सुबह उठ के बर्तन धो दोगे भाई के हाथों में लाइनें मिट रही है बर्तन धोगे गलत समझा करो क्या सोचा था मैंने कि अच्छा था बाहर जाऊँगा कुछ करूँगा बट मेरा भी मन नहीं कर रहा भाई बाहर जाने का ठीक है टू बी ऑनेस्ट मैं इतना भी पूछ नहीं रहा मैं जाता हूँ कुछ फालतू में बाहर बर्तन धोता हूँ यहाँ पर आराम से खाना बनाता हूँ खाता हूँ सोता हूँ एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे होती है क्योंकि मेरी भाई मेरी ज़िंदगी ना बहुत नॉर्मल है ऐसे मुझे कुछ हैपनिंग है तुम लोग सोचते हो कि भाई
मजे कर रहा होगा, बड़ा हैप्पी सी लाइफ होगी, तो कुछ रहते हैं सबसे बोरिंग इंसान हो पता है जिंदगी में, रियल लाइफ जो लोगों को जानते हैं उनको पता है कितना बोरिंग है भाई। मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ। और भाई अगर तुम ये वाला व्लॉग सच में देख रहे हो ना, मतलब तो आई लव यू भाई, क्योंकि इस व्लॉग में ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अगर तुम मेरे लिए देख रहे हो ना भाई, तो आई लव यू भाई, आई लव यू ठीक है। और आई नो वही प्यार तुम लोग मेरे को सामने से करते हो। जैसे 3000 सब्सक्राइबर जाएंगे ना भाई, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ करके दिखाएगा जो तुम बोल रहे हो। ये भाई ने बर्तन सारे, अब भाई काटेगा प्याज टमाटर। भाई अब प्याज टमाटर काटेगा तुम्हारा भाई। भाई ये वाला प्याज देखो एक बार, मैंने आज से पहले कभी ये प्याज ही नहीं खाया था, मैंने कनाडा के खाया वाला प्याज। नहीं तो अपने वहाँ तो भाई पर्पल जैसा कलर का होता है, वो क्या होता है जो असली प्याज होता है, ये वाइट अनियन है। कुकर की सीटियाँ बज रही है, शिट मेरे कुकर से ना पानी बहुत जल्दी निकल जाता है भाई। और देखो बस बस चल चल शाबाश 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 कर 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 कर। मैं ना इंस्टा पे भाई बहुत इनएक्टिव हूँ, पहले मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव था, बट आज के मैं इंस्टा पे थोड़ा इनएक्टिव चल रहा हूँ ठीक है। तो क्योंकि मैं भाई सारा टाइम यूट्यूब करते रहता हूँ, तो इंस्टा पे कहाँ पे टाइम मिलेगा कुछ पोस्ट करने का, तो ये सीन है। ये देखो बस ये होता है मेरे साथ, इसको ऑन कर देता हूँ, हल्का सा पानी निकल जाता है, पता नहीं क्यों निकलता। देखो सिम कर देता हूँ, अच्छे से उबलेगा। एक बार हुआ भाई कुकर से सारा पानी बाहर आ गया था मेरे, पता नहीं क्या होता रहता है, कुछ भी होता रहता है। वो ये क्या आया भाई, यूपीएस कुछ आया बाहर, पावर रेंजर्स आ गए भाई। ऐसे गोल है भाई ठीक है कि मेरे को डालना है व्लॉग। वो ना प्याज काटना सिखाता हूँ मैं, प्याज कैसे काटते हैं, क्योंकि मैंने भी सीखा था, बट तुमको शॉर्ट फॉर्म में सिखाता हूँ। टमाटर साइड करो, प्याज लो, प्याज कैसे काटो, दो पीस हो गए, यहाँ देखो दो पीस हो गए। अब इसको शबाका सीधे छटपट पटाका, पानी आ गया भाई, बहुत टफ है, पता नहीं क्या सीन है, बट स्टिल ठीक है जैसा भी है। क्यों मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं रोता भाई, नहीं काटे प्याज ठीक है भाई, की आंखों में आ गया प्याज से पानी, ऐसा मत सोचो करो भाई रोता है। भाई हालत खराब हो जाती है प्याज काट के भाई, लगा मैं सच में उदास हो गया। भाई 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 रहता है खुश ठीक है, भाई कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं वो बात अलग है, बट हो जाता है खुद से मोटिवेट। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, मैं क्यों व्लॉग बना रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है बना ही लेता हूँ। कुछ भी दिखा रहा हूँ ऐसा आजकल मैं, पर मेरे को यही बनना था भाई धीरे धीरे करके, क्योंकि यही चीज़ है भाई, बाद में देखूँगा मैं। टमाटर कट गए हैं, ये यहाँ प्याज है, प्याज थोड़े से अच्छे से नहीं कटे पर गली जाते हैं कोई से, बाकी टमाटर देखो भाई ये। बाकी भाई सही में प्याज काट के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वो आर्टिफिशियल आंसू होते हैं, मैन मेड आंसू नहीं होते। बस थोड़ा सा पानी है इसमें। मम्मी पापा भी ब्लॉग देख रहे हो ना, तो देख लो ऐसे बनाता हूँ मैं खाना। भाई मेरे घर वालों को विश्वास ही नहीं होता भाई कि मैं खाना बना लेता हूँ, तो इतने दिनों से ऐसी भूखा जी रहा हूँ मैं, यहाँ पे खुद बनाता हूँ मैं। अभी देखो देखो इधर, मैं पहले चेक करूँगा मैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। हो गया हो गया हो गया, देखा देखा इसको बोलते हैं स्किल। पर भाई गर्मी लगती है, मेरे को लग रहा था भाई गर्मी आने वाली है, मौसम ठीक हो रहा है धीरे धीरे, बट एक बार देखो ये देखो क्या ठीक हो रहा है इसमें भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अच्छा खासा सोचा था बाल कटाऊंगा थोड़ा इंसान बनूंगा फिर से, बट कुदरत भी चाहती है कि मैं जानवर बन के रहूँ। तो यहाँ बढ़िया से थोड़ी देर हम प्याज को भूनेंगे अच्छे से, जब तक प्याज वाइट से ब्राउन नहीं हो जाते। मैं अभी व्लॉग बनाने का सोचा था और तुम्हें कुकिंग क्लासेस दे रहा हूँ मैं, बट कोई सीन नहीं भाई, कुकिंग भी आनी चाहिए भाई, अगर बंदे को कुकिंग आ जाती है ना कभी भूखा नहीं मरेगा भाई। ये वाला स्टोव ना भाई हमारा ख़राब हो गया था, ये इलेक्ट्रिशियन आया कोई उसने ठीक करके गया ये, बट ये वाला भी ख़राब है, तो ये 3 ही चलते हैं और ये 2 चलते हैं। ठीक है यार हमारा प्यारा सा वो गद्दा हम गिराज से लेके आए थे नीचे से, अच्छा लगा। हल्के हल्के प्याज भून रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो सब इसमें डालूंगा टमाटर और हल्का सा पानी। और मेरे को भूख लगती है ना भाई, मैं हो जाता हूँ पागल ठीक है, मेरे दिमाग की नसें फटने लग जाती है, मेरे को गुस्सा आने लग जाता है, मेरे को इरीटेशन होती है, वही इरीटेशन हो रही है मेरे को अभी, ज़्यादा ही भून गए कुछ प्याज। देखो भाई मसाले डाल दिए इस पर, बस इसको ऐसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर, इसको मैं भूनने के लिए रख देता हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर आए मसालों का, थोड़ी देर ऐसे रखूँगा उसके बाद डालूंगा इसमें ये टमाटर। खुशबू आनी चाहिए मसालों की, खुशबू। ग्रेवी तैयार होगी थोड़ी देर, चटनी पक चुकी है अच्छे से,
फिर इसका पानी निकाल लेंगे पहले इसमें। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो उसका पानी निकाल के बाद में उसमें ऐड कर देता हूँ। ये दाल बढ़िया से गल चुकी है, पानी है और तड़का भी अपना प्यारा सा हो गया, भुन गया भाई अच्छे स्टाइल में भुन गया है मेरे को, तो मैं भी से पानी आ रहा है को बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ी देर ऐसे भूनने रखूंगा, उसके बाद पानी इसमें ऐड करूंगा। भाई अपनी दाल तैयार होगी तो मैं दिखाता हूँ। भाई कंट्रोल नहीं हो रही है अभी, भाई मैंने दाल टेस्ट करी है, आह क्या दाल बनी है भाई, और कुछ मज़ेदार वाली। मैं तो वेट करूँगा अभी, बस चावल रखे कुकर में, एक बार ज़रा सीटी आ जाए, पक जाए चावल थोड़े से, फिर आराम से खाऊंगा भाई। और जा तो सकता था भाई, वैसे मौसम ऐसी बात नहीं है, बट वही है क्या जाऊँगी, अब वही है भाई डेली व्लॉग करना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ दिखाता हूँ, अच्छा दिखाता हूँ, बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्यों दिखाऊँ, मैं किसको दिखा रहा हूँ, ये खुद के लिए तो बना रहा हूँ। भाई दाल होगी अपनी तैयार, मेरे को लग रही है भाई बहुत ज़्यादा भूख। ठीक है मैं खाऊंगा अभी खाना आराम से, तारक मेहता देखते देखते। हाँ भाई क्या अभी तो भाई, और ऊपर से सबसे ज़्यादा मज़ा पता है बात है जब हाथ से आया है, एक तो थोड़े से गर्म है ना चावल, बट भाई जो टेस्ट है ठीक है, अच्छा है, मैं ज़्यादा भी तारीफ नहीं करूँगा, नज़र लग जाती है नहीं तो। भाई मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ गया, खाना आ गया, अब मेरे को आ रही है सुस्ती, अब मैं सोचा अब सो जाता हूँ थोड़ी देर यही तो करने वाला, बाहर ठंडे ठंडे मौसम में बढ़िया रजाई उठ के सो जाओ, और कुछ नहीं है यही है। तो बढ़िया खाना बनाया तुम्हारे भाई ने आज।